सा जल्दी होगा, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले टॉप 4 क्यों होंगे वर्ल्ड कप के, और कौन आपको लग रहा है कि इस दफा वर्ल्ड कप जीत सकता है? टॉप फोर में जनाब, अब तो मैं कंफर्म आपको बता सकता हूं अपने टॉप फोर में इंडिया होगा जी, 100%। टॉप फोर में इंग्लैंड होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। इंग्लैंड के अलावा भी एक टीम है, यानी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। नो नो नो, नॉट नॉट टॉकिंग अबाउट, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में मेरा जो दिल है ना वो जरा डामाडोल है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और उनके पास बल्लेबाज भी बहुत अच्छे हैं, और इस तरह की कंडीशंस में चलते भी हैं, वो आदी भी हैं इस तरह की कंडीशंस खेलने में। उनके पास शमसी है, वो शमसी को खेल सकते हैं, तो इसका मतलब दुनिया के किसी भी स्पिनर को खेल सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इंग्लैंड फॉर द टाइम बीइंग, इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान। राइट और क्या लगता है आपको फाइनल में फिर कौन जीतेगा इस दफा वर्ल्ड कप? क्योंकि फेवरेट जैसे इमादुद्दीन ने भी कहा था कि फेवरेट कम ही जीतते हैं, इस दफा फेवरेट जो है वो इंग्लैंड और इंडिया है, तो क्या लगता है आपको इस दफा फेवरेट जीतेंगे या आपको लग रहा है पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज में से कोई ट्रॉफी उठाएगा? यार मुझे तो पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे भी मुझे तो इट विल बी लाइक अ ड्रीम, यू नो। मैं तो ख्वाब देखने वाला बंदा हूं और मुझे ख्वाब देखने अच्छे लगते हैं। व्हाई नॉट, अगर देखना है ख्वाब तो पाकिस्तान इंडिया के फाइनल का ख्वाब क्यों ना देखें, बिल्कुल, ठीक है तो ना। तो मुझे मतलब देखिए, ये अब इम्पॉसिबल नहीं है, दिस इज क्वाइट या पॉसिबल, और दिस इज क्वाइट पॉसिबल। और हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त वो दुनिया का टॉप बॉलर है, उसको माने या ना माने कोई, ठीक है। हारिस राउफ मतलब सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और वहां की पिचेस के ऊपर अगर कोई 150 के करीब बॉल करता है तो वो खतरनाक तरीन बॉलर है, ठीक है, वहां बिल्कुल की पिचेस के ऊपर। वहां पे बॉल बॉल रुकती है, टिप्पा लग के रुकती है, और वहां पे अगर कोई स्किट करता है, बॉल को तेज करता है, तो फिर वो कामयाब। बस ये है कि फॉर्म में होना जरूरी है। हमारी बॉलिंग फॉर्म में हुई और हमारी बैटिंग, ऊपर से बाबर आजम और रिजवान चल गए, तो नीचे वाले हिसाब किताब करके 160 170 तक ले जाया करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि और 160 170 विद दिस बॉलिंग अटैक इज जी, बिल्कुल इस बॉलिंग अटैक के साथ 150 160 150 भी अगर 150 क्रॉस करता है पाकिस्तान, लोग ने आईपीएल में भी देखा है कंडीशन ऐसी है कि 150 भी डिफेंड हो रहा है, तो और पाकिस्तान में जो बॉलिंग अटैक है शुरू से अगर एक दो ऊपर से विकेट मिल जाए तो दैट्स रियली गुड। बस अब आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान क्या इस दफा इंडिया से ग्रुप स्टेज में जीतेगा या फिर फाइनल में जीतेगा? जीतेगा जीतेगा इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान इस बार इंडिया को। ये चीज लिख ले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लिख ठीक ले। जितना मुझे अब यकीन है ना, उतना पहले कभी भी नहीं था। और मैं उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह भी बताता हूँ। इंडियन स्क्वाड इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ देयर फॉर्म, उनके ठीक है। काफी इवन अपने उनका जो लॉट ऑफ टॉप फॉर्म ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर भी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। प्लस उन्होंने सिवाय एक, वो जो मतलब जो जो रियल मीनिंग में उनके बॉलर परफॉर्म करने वाले थे, चहल था, ठीक है, उसको भी शामिल नहीं किया। शार्दुल ठाकुर को शामिल नहीं किया, जो उनका गोल्डन आर्म था, ठीक है, जिसको ठाकुर ऑफ लॉर्ड्स भी कहते हैं जी, ठीक है, वो उसको उन्होंने शामिल नहीं किया। ज्यादती की है ना, देखिए ये ज्यादती हुई है, उनकी तरफ भी ज्यादती हुई है, वहां भी आवाजें उठ रही हैं। पता नहीं आज क्या बनेगा उनके स्क्वाड का, भी कोई आजकल में कोई चेंज होती है या नहीं होती। तो कोहली जो है वो कोई बहुत ड्रीम फॉर्म में नहीं है, ठीक है। रोहित शर्मा तो बहुत ही बुरे हालात में है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक बंदा चल रहा है तो वो उनका केएल राहुल है, जो कि अच्छी फॉर्म में है। बाकी आप नीचे देख लें, परेशानी है उनके लिए। तो अगर बिल्कुल पाकिस्तान इसमें इंडिया को नहीं हरा सकता ना, इस T20 में, तो फिर पाकिस्तान भूल जाए, फिर इस पूरी सदी में मुश्किल ही है। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, रियली लव डिस्कसिंग विद यू, और काफी डिटेल से बात भी हो गई और मजा आया आपके साथ बात करने का। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। वेलकम वेलकम, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह जल्द